आज का यह वीडियो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए है। 13 अगस्त को एक न्यू अपडेट आया था जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर 3 बड़े अपडेट किए गए थे, जहां पर मैं आपको बता दूं इनमें से एक बड़ा ही अपडेट ये था कि 15 अगस्त से यहां पर कई राज्यों में आवेदन स्टार्ट होने हैं। तो मैं आपको बता दूं, यदि आप झारखंड से हैं तो झारखंड में अभी यहां पर खबर आई है, यदि आप झारखंड से हैं तो वहां पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक में जाकर आपको पता कर लेना है और आपको जल्दी जल्दी आवेदन अप्लाई कर देना है। इसके अलावा यदि आप बिहार से हैं तो बिहार में भी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप बिहार से हैं तो आपको जाकर ग्राम पंचायत में पता करना है या फिर ग्राम प्रधान के पास जाकर पता कर लेना है, या फिर इसके अलावा आप तहसील में भी बात कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं, यहां पर जो दूसरा अपडेट था इसके अनुसार यहां पर 15 अगस्त के बाद यहां पर दिन प्रतिदिन जो है लिस्टें यहाँ पर जारी की जा रही हैं। तो आपने यदि पहले ही आवेदन अप्लाई कर दिया था तो आपका लिस्ट में नाम आ चुका होगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर आपको इस तरह से चले जाना है। जैसे आप यहाँ पर pmayg.nic.in लिखकर यहाँ पर सर्च करेंगे, इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपको आवास सॉफ्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है, रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहां पर रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको ABCD जो सेक्शन है दिखाई देंगे। इस सेक्शन में आपको जो चौथे नंबर का ऑप्शन है कैटेगरी बेस SECC डाटा वेरिफिकेशन समरी, जो चौथे नंबर का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहां पर आपको सबसे पहले अपनी यहाँ पर आपको स्टेट का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो भी आपके यहाँ पर जो भी आपका ज़िला है उसे सिलेक्ट करना है, तहसील को सिलेक्ट करना है, गांव को सिलेक्ट करना है, ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चर कोड एंटर करना है, इसके बाद आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पर आपकी जो लिस्ट है निकल कर आपके सामने आ जाएगी, तो आप यहाँ पर अपना नाम देख पाएंगे। नीचे की ओर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डाउनलोड PDF, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने यहाँ पर मोबाइल में। तो ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी और यूजफुल वीडियो देखने के लिए।